बने तो सहयोग कर दो, मंदिर बने तो सहयोग कर दो। और आज आप ये समझो कि 3 अगस्त 2020 को हम प्रेमियों से ये अपील करते हैं, संगत के प्रेमियों से अपील करते हैं कि ये अगर आपको परमिशन दे दें तो वहाँ पर मंदिर बनाने में जो सेवा करने वाले लोग हैं उनके लिए आप भंडारा चला दो, 2 साल 4 साल राम मंदिर बनने में जो भी समय लगाए उसमें जो भी कारीगर चाहे वो राजमिस्त्री हों, चाहे उबड़ी का काम करने वाले मिस्त्री हों, चाहे लोहा का काम करने वाले मिस्त्री हों, चाहे उनके हेल्पर हों, चाहे ये ईंटा गारा ढोने वाले हों, पत्थर ढोने वाले हों, पत्थर की कटिंग करने वाले हों, जितने भी लोग उसमें हों, चाहे वो दफ्तर में काम करने वाले बाबू हों, चपरासी का काम करने वाले अधिकारी हों, इंजीनियर हों, मैनेजर हों, यानी जितने भी हों, उनके दोनों समय भोजन की व्यवस्था प्रेमियों आप करो और भोजन भंडारा वहाँ बराबर चलाओ और दरख्वास्त आज ही दे दो उनको। अगर वो मंजूरी दे देते हैं तो उसकी शुरुआत कर दो। आप वहाँ के अगल बगल के 3-4 जिला के लोग आप चले जाओ जो जिम्मेदार हो और आप दरख्वास्त दे दो और परमिशन ले लो और जैसा वो बताऊंगे उसकी शुरुआत कर दो। बाकी तो पूरे संगत देश की आपके साथ है, लेकिन आप लोग अन्य समझो मिल करके और अगर ये परमिशन देते हैं तो इनको आप आश्वासन दो कि हम अपने गुरु की दया ले करके और हम इसको चलाना चाहते हैं, अपनी कुवत भरपूरा निभाएंगे और हम चलाएंगे। और यह भी प्रेमियों कह दो कि हम इसमें मेहनत और ईमानदारी का लगाएंगे और मेहनत और ईमानदारी का अन्न जब वो लोग खाएंगे तब सच्चे मन से सच्चे दिल से होश हवास में वहाँ पर सेवा करेंगे, होश हवास में काम करेंगे, तब आप ये समझो कि मदिरा का मद नहीं रहेगा। उस समय पर सेवा का रहेगा, भक्ति का रहेगा। मदिरा पी करके जब कोई काम करता है, जानवरों का मांस खाकर जब काम करता है तो उसका बुद्धि और दिल दिमाग उसी तरह का रहता है, लेकिन सच्चे भाव से सच्चे हृदय से भाव भक्ति में जब कोई काम करता है तो यानी उसका परिणाम अच्छा निकलता है। तो आप प्रेमियों को यह कहा जा रहा है कि आप लोगों को अगर ये लोग परमिशन दे देते हैं, जो भी वहाँ के जिम्मेदार हैं, चाहे अधिकारी हों, चाहे ट्रस्ट के अध्यक्ष हों या जो भी हों, आप उनसे मिल लो, उनको अपना दरख्वास्त दे दो। अगर वो मंजूरी दे देते हैं तो भंडारा चलाना शुरू कर दो, भोजन खिलाना शुरू कर दो, जितने भी लोग उसमें सेवा करें मंदिर निर्माण में, यानी उनको भोजन शुरू कर दो।